द्वारका में शू परिस्थिति है? एक तरफ धोधमार वरसाद है, द्वारका में वरसाद ने पगले ठेर ठेर पानी भराई गया है। आ दृश्य अमे आपने जो बताई छे, जो रस्ताओ छे ते पानी में गरकाव थई गया छे। भारे वरसाद ने पगले जो हालाकी छे, वहली सवार थी ज द्वारका में मेघराजा की धमाकेदार बैटिंग शुरू थई चुकी छे। पानी भराता अनेक जग्या पर वाहन चालको अने राहदारीओ अटवाई गया छे। वाहन चालको त्यांथी पसार थवा माटे मुश्किलीनो सामनो करवो पड़े छे। राज्यभर में जे रीते अविरत मेघ वरसाद चालू है, सौथी वधु असर सौराष्ट्रना जे दरियाई जिल्लाओ छे तेनामां जोवा मळी छे। अने तेमां पण देवभूमि द्वारका के ज्यां छेल्ला 3 दिवसथी सतत मेघराजा तोफानी बेटिंग करी रह्या छे, अने परिणामे द्वारका नगर सहित आसपासना जेटला पण गामो छे, विविध स्टेट हाईवे होय के नेशनल हाईवे होय, खूब ज गंभीर असर पड़ी रही है। आप जोई शको छो हाल में द्वारका नगरनो आ जे इस्कोन गेट विस्तार छे के ज्यां भौगोलिक परिस्थिति ए प्रमाणेनी छे के आसपासना विस्तारमांथी आवतुं पाणी वच्चे ज एकठुं थई जाय छे। परिणामे आ जे मुख्य 4 रस्ता छे त्यां मोटा प्रमाणमां मार्ग पर पाणी भराई गया छे, अने आ पाणीमांथी जे वाहन व्यवहार छे तेने पसार थवुं पड़ी रह्युं छे। पछी चालता लोको जतो होय, सामेथी आवती बस होय के पछी टू व्हीलर चालक होय के तेमने पण मुश्किलीमांथी अहींयाथी पसार थवुं पड़ी रह्युं छे। जे फोर व्हीलर छे ते पण तेना व्हील डूबी जाय ते प्रमाणेना अहींया दृश्य जोवा मळी रह्या छे। एटले छेल्ला 24 કલાકમાં લગભગ 5 ઇંચ કરતાં પણ વધુ વરસાદ સમગ્ર પંથકમાં ખાબકી ગયો છે, અને તેનું આ પરિણામ છે। અને હજી પણ હવામાન વિભાગે જે પ્રમાણેની આગાહી કરી છે કે આગામી 10 તારીખ સુધી દરિયાઈ વિસ્તારો જેટલા છે ગુજરાતના, પછી તે સૌરાષ્ટ્રનો હોય કે દક્ષિણ ગુજરાતનો હોય, આ જ પ્રમાણે સમયાંતરે ભારેથી અતિ વરસાદ જે છે તે ચાલુ રહેશે। દેવભૂમિ દ્વારકાથી કેમેરા પર્સન મુકેશ ચૌહાણ સાથે અર્પણ કાયદાવાલા ઝી મીડિયા।